वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलर बार का जस्ट स्मोकी काजल। और इसका रिव्यू मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये काजल मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मुझे ये काजल बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए ये मैं रिव्यू वीडियो करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज कमेंट शेयर एंड लाइक। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मुझे इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिल्वर कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और ये काफी अच्छा लुक है इसका। और इधर सारा लिखा हुआ है कलर बार जस्ट स्मोकी काजल, और यहाँ पे कुछ इसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। लिखा है दिस वेलवेटी एंड सुपर इंटेंस स्मोकी काजल कम्स विद अ परफेक्ट स्मज टिप एप्लीकेटर फॉर ब्लेंडिंग एंड क्रिएटिंग ड्रामेटिक स्मोकी आईज। वाटरप्रूफ आई पेंसिल दैट स्टेज अप टू 12 आवर्स कैन बी यूज एज काजल, आईलाइनर एंड आई शेडो। इंटेंस एंड एक्सलेंट कलर पे ऑफ, ऑप्टोमोलॉजिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड। यहाँ पे लिखा है स्टेज अप टू 12 आवर्स, और ये काफी ज्यादा इन्होंने लाउडली यहाँ लिखा है कि स्टेज अप टू 12 आवर्स, और यहाँ पे लिखा है वाटर प्रूफ। साथ गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, जैसे कि वहां पे लिखा था काफी ज्यादा लाउडली कि इट इज वाटर प्रूफ, और ये सच्ची में देखिए वाटर प्रूफ है। और मैं एक बार सोप लगा चुकी हूँ, अपने हैंड वॉश कर चुकी हूँ, और उसके बाद भी देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकला, अभी भी ये काफी ज्यादा इंटेंस है। इसका जो प्राइस है वो है 650, और मैंने इसको नायका से परचेज किया था अभी इसी महीने, और वहां पे सेल चल रही, अभी भी चल रही है वहां पे सेल। मैंने चेक किया था 20% ऑफ इस पे मिल रहा है, और 20% ऑफ करके आपको ये पड़ेगा 520 का। और नायका से या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर आप बाहर से कहीं इसके काउंटर से आप खरीदें तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे वो आपको डिस्काउंट देंगे। तो मैं प्रेफर करती हूँ नायका से ही प्रोडक्ट्स खरीदना, क्योंकि वहां पे हर वक्त सेल चलती रहती है और नायका की सर्विस भी बहुत अच्छी है। इट ऑल्सो कम्स इन 7 डिफरेंट शेड्स एंड दे आर ऑल प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। और ये है कलर बार जस्ट ब्लैक 001 काजल, और इसकी आप देख सकते हैं जो इसका जो लुक है वो मैट फिनिश में है, और उस पे सिल्वर से लिखा है कलर बार, और यहाँ पे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं। और आप जैसे देख सकते हैं ये ड्यूअल एंडेड है, इस साइड आपको मिलता है एक स्मज टिप एप्लीकेटर स्मजिंग करने के लिए, और इस साइड जो है वो काजल है, और इसके साथ आपको कोई शॉर्पनर नहीं मिलता है। शॉर्पनर मेरे पास, मैंने नायका से शुगर का भी परचेज किया था काजल, और उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ वो एक शॉर्पनर भी देते हैं, और शॉर्पनर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और वही शॉर्पनर मैं इसके लिए भी यूज करती हूँ। बट शॉर्पनर से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि शॉर्पनर से काफी ज्यादा प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप शार्प करते हो तो वो प्रोडक्ट भी साथ साथ में उतरता रहता है, तो काफी प्रोडक्ट आपका वेस्ट में चला जाता है। तो इसकी ये बात मुझे थोड़ी नहीं अच्छी लगती है, मगर फिर भी ये काजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद। हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 1.2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, और मुझे लगता है कि अच्छा है अगर आपको 520 में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है 1.2 ग्राम, आई थिंक इट्स ओके। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका कलर पे ऑफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है, जेट ब्लैक कलर ये आपको देगा। आई विल शो यू द स्वैच ऑफ इट, देखिए कितना ज्यादा, और ये इतना सॉफ्ट है, इतना क्रीमी है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल एकदम लाइट से प्रेशर से इसको मैं यहाँ पे स्वॉच करूंगी, देखिए इतना ज्यादा ये इतना क्रीमी है, और इतना अच्छी तरह से ये स्वॉच हो जाता है। और आप जब भी आईज पे आप कुछ लगाना, काजल वगैरह लगाते हो, तो आप नहीं चाहते हो कि आपको ज्यादा जोर देना पड़े, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आईज है तो आईज काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट आप चाहोगे कि जो इजिली आपकी आईज के वॉटर लाइन पे और नीचे भी स्वॉच हो जाए एक ही स्वाइप में। और इसको 10 सेकेंड्स लगते हैं, कुछ 10 सेकेंड्स और आई थिंक
आप लगा लो 1 मिनट लगते हैं सूखने में, और जब ये एक बार सूख जाता है तो फिर ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद मैं इसको स्मज करके आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ एक इन्होंने स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर भी दिया हुआ है। इसके साथ आप जैसे उन्होंने बोला है एज आई शेडो भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे आप इसको अपनी आईज पे लगाओगे। अभी मैंने अपनी आईज पे कुछ नहीं लगाया है, अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगी। और उसको आप स्मज करके स्मोकी आई लुक भी दे सकते हैं, और इसके इसको नीचे भी अपनी लोअर लैश लाइन पे भी इसको आप स्मज कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको अभी इसको स्मज करके दिखाऊंगी कि तो एक कुछ आई थिंक हाफ मिनट हो चुका है इसको मुझे इधर लगाए हुए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़े हल्के हाथ से इसको किया है, अब मैं थोड़ा ज्यादा जोर से करूंगी और जोर से। ये देखिए बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा। यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा थिक लग गया था, इस वजह से यहाँ से हो गया। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ये इतना अच्छा है। आपको अब मैं अपनी आईज पे इसको लगा के दिखाऊंगी ये कैसा कैसे लगता है आईज पे, कितना स्मूथली ये लगता है। मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दूंगी, और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। देखिए और एकदम जेट ब्लैक इसका कलर है। आपको इसे जल्दी से जल्दी स्मज करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, ये फटाफट से सूख जाता है। इसलिए इसको जल्दी से, अगर आपको स्मोकी आई लुक चाहिए, अगर आपको इसको स्मज करना अपनी आईज पे, तो फिर आपको जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखता है। और अब हम लोअर लैश लाइन पे भी इसको लगाएंगे थोड़ा और स्मज करेंगे। ये बहुत इजी है क्योंकि ये इसके एकदम पीछे है, यहाँ से आप लगा सकते हो काजल, और यहाँ फटाफट से आप इसको टर्न करके यहाँ से इसको स्मज कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू यूज स्मोकी आई मेकअप लुक। हल्का हल्का जो वैसा लुक होता है, जैसे हल्का सा स्मज काजल का लुक, वो ये दे सकता है आपको। और थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। गाइस, आई मस्ट से कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई वॉन्ट टू बाय इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और मुझे लगता है कि मैंने इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।